नमस्कार दोस्तों, मैं रागनी राय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तिरंगे का इतिहास। उस तिरंगे का इतिहास जिसे अगर यूक्रेन में लपेट लिया जाए तो किसी भारतीय पे बम नहीं गिर सकता, गोलियां नहीं दागी जा सकती। हमारे राष्ट्र की शान, हमारे शक्ति की पहचान, इस तिरंगे को तिरंगा बनने में ना जाने कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा। इस तिरंगे ने अपने अंदर लाल, पीले, हरे, नीले, ना जाने कितने रंगों को आत्मसात किया। कभी वंदे मातरम, कभी आठ श्वेत कमल, तो कभी सूर्य, कभी चंद्र, ना जाने कितने चित्र इस पर उकेरे गए, तब जाकर आज इसका ये भव्य स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। हमारे भारत का पहला औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज, जो कि लाल, हरे, पीले रंग में वंदे मातरम के टीके के साथ आठ कमलों और सूरज चांद से सुशोभित था। भारत के प्यारे तिरंगे का सफर 1857 की क्रांति से शुरू होता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले झंडे को नीले रंग में डिजाइन किया गया था। यह डिजाइन पश्चिमी सभ्यता के मानकों पर आधारित था, जिसमें ऊपर बाईं ओर पश्चिमी संघ ध्वज था, जो अंग्रेजों की हुकूमत का गवाह था, और बीच से दाहिनी ओर भारतीय राजाओं के मुकुट की शान बढ़ाने वाला एक सितारा था। इस झंडे में भारत की अधीनता झलक रही थी। यही वजह रही होगी यह झंडा बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। वक्त बदल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत का कभी न डूबने वाला सूरज मानो डूबने लगा था। साल 1906, क्रांतिकारियों में क्रांति की ज्वाला तेज हो रही थी और नए नए राष्ट्रध्वज अस्तित्व में आ रहे थे। यही वह समय था जब स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने भारत को दूसरा राष्ट्रीय ध्वज दिया। यह ध्वज किसी विजय पताका से कम नहीं था। इसमें लाल, पीले और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया था। लाल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और पीला जीत को दर्शा रहा था। इसमें भगवान इंद्र का वज्र भी शामिल किया गया था, यह उसके कीर्ति का गुणगान कर रहा था, तो वहीं सफ़ेद कमल इसकी पवित्रता को दर्शा रहा था। इसी वर्ष दो और ध्वज अस्तित्व में आए। इसमें से पहले ध्वज में तीन समान पट्टियाँ थीं, सबसे ऊपर नीला, फिर पीला और सबसे नीचे लाल पट्टी थी। सबसे ऊपर नीली पट्टी में आठ अलग अलग आकार के तारों को भारत की आठ राज्यों के रूप में शामिल किया गया था, और सबसे नीचे लाल पट्टी में एक तरफ उगता सूरज और दूसरी तरफ एक सितारा आधे चांद के साथ दिखाई देता था, और बीच के पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। यह भारत का पहला तिरंगा झंडा था। इसके बाद सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा डिजाइन किया गया झंडा अस्तित्व में आया, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां थी। झंडे में बीच के पीले पट्टी पर वंदे मातरम और ऊपर हरी पट्टी पर आठ आधे खुले कमल और नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद को दर्शाया गया था। इसे सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान, वर्तमान में ग्रीन पार्क में फहराया गया था। यह भारत का पहला औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज था। तिरंगे के कायाकल्प का यह सफर तब आगे बढ़ा जब 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टेट गार्ड में तिरंगे को फहराया। माना जाता है कि इस तिरंगे को सामूहिक रूप से मैडम कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा बनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था। 22 अगस्त 1907, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के स्टटगार्ट शहर में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में एक सभा के संबोधन के दौरान मैडम भीकाजी कामा ने एक तिरंगा फहराया और कहा, भारत में अंग्रेजी हुकूमत मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। पूरी सभा तालियों से गूंज रही थी। सभा को आगे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया यह तिरंगा तीन रंगों में रंगा था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर पीला और सबसे नीचे हरा रंग सुशोभित था। बीच के पीले पट्टी पर गाढ़े अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था और ऊपर की केसरिया पर आठ पुष्प और नीचे हरे पट्टी पर सूरज और चांद तिरंगे की शोभा बढ़ा रहे थे। यह तिरंगा भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए विदेशी भूमि पर फहराया गया भारत का तिरंगा था, जिसे बर्लिन समिति ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में होम रूल लीग ने एक नया झंडा अपनाया।
आपको बता दें कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इस ध्वज में ऊपर बाईं ओर यूनियन जैक था। इस तिरंगे में सप्त नक्षत्रों को दर्शाने के लिए सात तारे और अर्ध चंद्रमा जिसके ऊपर एक तारा बना हुआ था। साल 1916 इंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष एक झंडा राष्ट्र के प्रतीक के रूप में बनाने का प्रस्ताव रखा, तो गांधी जी ने इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि इस झंडे में एक चरखा भारत की आर्थिक उत्थान के प्रतीक के रूप में शामिल किया जाएगा। गांधी जी की मंजूरी के बाद पिंगली वेंकैया ने अपने हाथों से सूत काटकर एक दो रंगों वाला झंडा तैयार किया जिसके बीच में एक चरखा बना था। जब यह झंडा गांधी जी को दिखाया गया तो उन्होंने इसे ये कहकर अपनाने से इनकार कर दिया कि इस झंडे में सिर्फ दो रंग शामिल किए गए हैं, पहला लाल जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व तो करता है और दूसरा हरा रंग जो मुस्लिम समुदाय का, लेकिन भारत के अन्य समुदायों को इस झंडे में स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद पिंगली वेंकैया ने झंडे में सुधार करते हुए उसमें भारत के सभी धर्मों को प्राथमिकता दी, झंडे को तिरंगे में ढाला। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और अंत में हरे रंग को स्थान मिला। सफ़ेद पट्टी में भारत के संघर्ष के प्रतीक गांधी जी के चरखे को रखा गया। बाद में गांधी जी के कहने पर इसमें सफ़ेद रंग शामिल किया गया। अब यह झंडा तीन रंगों का बन चुका था, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग था। अप्रैल 1919 में गांधी जी ने पहली बार इस तिरंगे को मंजूरी दी थी। फिर कांग्रेस की हर चार साल पर होने वाले अधिवेशन में इसे फहराया जाने लगा। 10 साल बाद गांधी जी के प्रयास पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगस्त 1931 में मुंबई सत्र में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों का होगा, भगवा, सफ़ेद और हरा रंग, ऊपर से नीचे के क्रम में क्रमशः रखे जाएंगे, जबकि गहरे नीले रंग का एक चरखा बीच में सफ़ेद पट्टी पर उकेरा जाएगा। रंगों की भी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। भगवा रंग साहस और त्याग, सफ़ेद शांति और सत्य, और हरा आस्था और शूरता का प्रतीक था, जबकि चरखा जन आकांक्षाओं का इजहार कर रहा था। जब देश को स्थिर झंडे की जरूरत महसूस हुई तो गांधी जी के तिरंगे का सुझाव सामने आया जो कि कांग्रेस का तिरंगा बन चुका था। जब आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात 1947 में संविधान सभा के सामने आई तो गैर कांग्रेसी सदस्यों ने तिरंगे में चरखे पर एतराज जाहिर किया। उनका कहना था कि ये चरखा वाला तिरंगा तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का झंडा है, उसे किसी राष्ट्र के झंडे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसद की संविधान मसौदा समिति के चेयरमैन थे। तब झंडे पर एक समझौता हुआ। अम्बेडकर ग्रुप ने कहा कि कांग्रेस का तिरंगा बरकरार रखा जाएगा, लेकिन चरखे की जगह पर ध्वज में 8 तीलियों वाले बौद्ध चक्र को लाया जाएगा। बाद में इस पर सहमति बन गई कि इस चक्र को 24 तीलियों का रखना चाहिए जो सारनाथ में सम्राट अशोक के स्तंभ पर है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को पास कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना नए पाकिस्तान को संभालने के लिए कराची पहुँच चुके थे। तब गांधी जी लाहौर में थे। गांधी जी को जब मालूम हुआ तिरंगे से चरखा हटाकर उसकी जगह पर चक्र लाया जाएगा तो वो बहुत दुखी हुए। लाहौर में गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को अस्वीकार करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा था और मैं बगैर चरखा वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर बाद में चक्र को लेकर गांधी जी का मन बदला और कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा भारत देश का तिरंगा झंडा बना। तो इस प्रकार इतने लंबे सफर को तय करने के बाद भारत का तिरंगा भारत की पहचान बना।